उत्तराखंड की खटीमा में नशे का जो काला कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने पहनिया गांव में छापेमारी कर दो तस्करों को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव में चरस की तस्करी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि नशे पर लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर नशे की तस्करी पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही। अभी दो लड़के यही लोकल है, एक बांशी का है और संदीप और एक का नाम है प्रदीप, ये दोनों यही लोकल ही है, नानक बत्ता का और एक बांशी का, हमारे खटीमा क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे 15 ग्राम लगभग स्मैक बरामद हुई है और बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों स्मैक नहीं पीते और अपने निजी स्वार्थ और अपने फायदे के लिए यह काम करते हैं।